हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रुपिशोर, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आईसीएमआर के द्वारा साइंटिस्ट सी की वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट नोटिस के संबंध में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप इसी तरीके की नोटिफिकेशन और अपडेट चाहते हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ आईसीएमआर इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स अप टू 31 अगस्त 2023 टिल 5:30 PM टू फिल अप फॉलोइंग फोर वैकेंसीज ऑफ साइंटिस्ट सी अंडर आई सी एम आर हेडक्वार्टर एंड इट्स इंस्टीट्यूट सेंटर्स इन लेवल 11 ऑफ पे मैट्रिक्स ₹67,700 टू 2,08,700 एंड यूजुअल अलाउंसेज एज एडमिसिबल टू आई सी एम आर एम्प्लॉय फॉर अपॉइंटमेंट टू ऑन रेगुलर बेसिस अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विद ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी अंडर द काउंसिल। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2023 है। और हम वैकेंसीज़ के बारे में देख सकते हैं कि दो वैकेंसीज में मेडिकल की हैं, जिसके लिए एजेंशियल क्वालिफिकेशन जो है MBBS और इक्विवेलेंट डिग्री है, और एजेंशियल एक्सपीरियंस जो है 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन कम्युनिकेबल डिसीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस इन रिसर्च फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है इसमें MD MS और इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज बाई MCI NMC MPH फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी PhD फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन एनेक्सर फर्स्ट। और इसमें नॉन मेडिकल की भी टू वैकेंसीज हैं, उसके लिए एजेंशियल क्वालिफिकेशन जो है मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट एज गिवन इन एनेक्सर फर्स्ट। एनेक्सर फर्स्ट में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें से मास्टर डिग्री, और एनेक्सर फर्स्ट में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। और इसके लिए एजेंशियल एक्सपीरियंस जो चाहिए वो 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन कम्युनिकेबल डिसीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस इन रिसर्च फॉर पेंडेमिक प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। और इसके लिए डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो PhD फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी बायोसाइंस इम्यूनोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी मॉलिकुलर बायोलॉजी फार्माकोलॉजी फार्मेसी वायरोलॉजी जूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, इसमें PhD डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी। PhD will be considered as 4 year experience, MD MS or equivalent to be considered as 3 year experience, MPH MTech ME will not be considered as any experience. Experience in research and development related to biomedical science in government, public sector, private institution will be admissible. और upper limit जो है इसमें 40 years है। और जो selection procedure हम देखते हैं, the selection would be made based on computer based written test, MCQ or interview or both. Written test would be based on the understanding of research methods and will be of qualifying nature and minimum qualifying would be 75 percentile. The top 40 candidates 10 times the number of vacancies from among the above qualified list who are otherwise eligible based on their qualification experience would be called for interview. और application fees की बात करें तो application fees non-refundable है, of ₹1,500 is required. SC ST women PWBD EWS candidates are exempted from application fees. Application fees is to be paid by candidate through online link given in the application form. Applications should be submitted along with online application fees through online mode. और यहाँ से आप वेबसाइट देख सकते हैं recruit.icmr.org.in, यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं आप। और इस रिक्रूटमेंट नोटिस में आप अदर कंडीशंस भी देख सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। ए कैंडिडेट विलिंग टू अप्लाई इज रिक्वायर्ड टू विजिट www.icmr.nic.in और recruit.icmr.org.in टू सबमिट हिज हर ऑनलाइन एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट आफ्टर रजिस्टरिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ। आफ्टर सेलेक्टिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिल द मैंडेटरी डिटेल्स आस्क फॉर स्टेप बाई स्टेप केयरफुली एट द डिटेल फील्ड इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल नॉट बी अलाउड टू बी चेंज वंस रजिस्टर्ड। और जो भी अदर जनरल कंडीशंस हैं वो आप इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। हाँ, द कैंडिडेट मस्ट अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ देयर सेल्फ अटेस्टेड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रॉम मैट्रिक ऑनवर्ड्स सर्टिफिकेट ऑफ डिटेल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दिस कोर्स डेट ऑफ बर्थ category certificate like that SC, ST, OBC, PWBD experience. If a candidate fails to upload self-attested copies of the requisite documents as above, his her candidature will be cancelled and he she will not be allowed to participate in subsequent stages of selection process. तो आप यहाँ से बाकी सभी कंडीशन दे सकते हैं। और ये एनेक्सर फर्स्ट इसमें दिया गया है कि जिसमें कि मास्टर डिग्री चाहिए थी, आप यहाँ से देख सकते हैं बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री एंथ्रोपोलॉजी सोशोलॉजी सोशल वर्क फूड एंड न्यूट्रिशन। इस प्रकार से टोटल 26 सब्जेक्ट्स में
किसी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं इन वैकेंसीज के लिए, वो इसमें 31 अगस्त 2023 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, इसकी लास्ट डेट ऑफ फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन इज 31 अगस्त 2023। तो ये थी पूरी जानकारी, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके लिए यूजफुल है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे के नोटिफिकेशंस के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो थैंक यू।